यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निचले इलाके में लोग हैं उनके मकान की क्या स्थिति है। घर द्वार सब ये बर्बाद हो गया सर, हम सबको कुछ नहीं बच सका, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है ना और कुछ मदद मिली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक नदी पर बना पुल पानी में डूब गया था, बावजूद इसके बस पुल पार करने की कोशिश में बीच पुल पर ही फंस गई। तेज बहाव की वजह से ड्राइवर ने बस को तेज धार के बीच ही बस को रोक दिया। इस दौरान मशीन के जरिए बस में सवार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो ये कठुआ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर बताती है कि हालात कितने बदतर हैं, जहां नदी पर बना पुल पानी में पूरी तरह से डूब गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के रहते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि ड्राइवर ने आने वाली मुसीबत भांप ली और उसको अंदाजा हो चला था कि ये पानी आगे चल के कहर बरपा सकता है। उसने समझदारी के चलते इस बस को रोक दिया और तेज बहाव की वजह से अपनी जो बस की स्पीड थी वो कम कर दी। इस दौरान मशीन के जरिए बस में जो सवार लोग थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। ये तस्वीरें कठुआ की हैं, जहां पर ये बस, सवारियों से भरी बस पानी में फंसते फंसते बच गई। तेज बहाव था, ये बस डूब भी सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी के चलते इस बस को रोक दिया और फिर वहां पर अब यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बस नहीं रुकती तो इसमें सवार जितने भी लोग हैं वो एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे, लेकिन जो ड्राइवर था बस का उसने समझदारी से काम लिया और पानी के बहाव को देखते हुए बस को वहीं पर रोक दिया और अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो बस के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया जाए। कठुआ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का कहर जारी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीले रंग की बस ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रही है ये वही बस है जो पानी के तेज बहाव की वजह से ड्राइवर ने इसको बीच में रोक दिया और इसमें जो सवार लोग हैं अब उनको बचाने की कोशिश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये बस यहां से गुजर रही थी लेकिन अचानक पानी का बहाव इतना तेज हुआ और ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ के चलते बस को रोक दिया। राजस्थान के बारा में भारी बारिश के बाद पर्वती नदी पर बने पुल को पार करने के दौरान दो लड़के बाइक समेत पानी में बह गए। बारिश की वजह से पुल पर पानी बहने लगा, वहां से जा रहे दोनों लड़कों को लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और पानी के तेज बहाव में ही पुल को पार करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही तेज बहाव में दोनों लड़के फंस गए। कुछ देर बाद बाइक समेत दोनों पानी में बह गए, हालांकि बाद में दोनों लड़के तैरकर बाहर आ गए लेकिन उनकी बाइक नदी में बह गई। राजस्थान के बारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्वती नदी पर बने पुल को पार करते हुए दोनों लड़के बह गए। हालांकि लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन इन लड़कों ने किसी की एक ना सुनी और तेज बहाव वाले पुल को ये पार करते हुए उसके बहाव में बहते चले गए। गनीमत ये रही कि दोनों लड़के तैराकी जानते थे, जिसकी वजह से इन दोनों की जिंदगी बच गई, हालांकि जो बाइक थी वो तेज बहाव में बह गई। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना तेज था और ऐसी स्थिति अगर आपके सामने होती है तो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो इन लड़कों ने किया वो बेहद ही डराने वाला था। बावजूद इसके कि वहां खतरा था, इन लोगों ने किसी की एक ना सुनी और पुल को पार करते रहे, लेकिन गनीमत ये रही कि ये सुरक्षित बच गए। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के बाद एक बांध टूटने से सड़क पर पानी बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां से जा रही एक गाड़ी उसमें बहने लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही लोग वहां पहुंचे और बचाव के काम में जुट गए। काफी कोशिशों के बाद भीड़ ने गाड़ी में बैठे लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं एक बस भी पानी में बहने की वजह से सड़क पर खड़ी दिखाई दी। बांध टूटने के बाद सड़कों पर करीब कई फीट तक पानी बहने लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन वहां से आने जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी।
प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद राहत की बारिश तो हुई, गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन अगर चूरू की बात की जाए तो यहाँ इतनी तेज बारिश हुई है कि जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों के अंदर जो पानी भरा है उस पानी को लोग लगातार निकाल रहे हैं। पिछले दो दिन से यहाँ बारिश हो रही है और लोग यहाँ घरों में कैद होने को मजबूर हुए हैं। जो मुख्य मार्ग है, जो रास्ते हैं, सड़क मार्ग है, वो सारे के सारे यहाँ अवरुद्ध हो चुके हैं। पानी है वो इतना ज़्यादा भर चुका है कि दो दो तीन तीन फीट तक यहाँ पानी को देखा जा सकता है। और इसी स्थिति को देखते हुए जो नगर परिषद है उसके द्वारा भी प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने यहाँ कल 115 mm बारिश दर्ज की थी और उसके बाद आज जो सुबह बारिश हुई है वो 97.4 mm बारिश है वो दर्ज की गई है। वर्षा का जो दूषित पानी है वो घरों के अंदर, दुकानों के अंदर चला गया, उनको काफी नुकसान भी हुआ है। आप जो दृश्य देख रहे हैं वार्ड नंबर 44 स्थित राजकीय खेमका उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। इसके जो चार कमरे हैं वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में है, गिरने की कगार पर है और कल एक इसकी दीवार गिर गई, जिस